सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग आ चुके हैं फरीदाबाद। आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लॉट का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो भी गेटेड सोसाइटी के अंदर, जिसमें आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलने वाले जो कि आपको जनरली हाई राइज अपार्टमेंट्स में मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं BPTP डिस्ट्रिक्ट 1 सेक्टर 81 ब्लॉक ए में आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं हमारा मेन रोड है, यहाँ पे मेन रोड है, और इधर आप जाएंगे तो यहाँ पे BPTP वालों का ही अपना एक ब्रिज है। BPTP ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, नहर के साइड जैसे ही आएंगे, तो आपको ये सोसाइटी दिख जाती है। सामने कमर्शियल हमारा बन रहा है और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 120 गज के प्लॉट, जो कि 120 गज से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे प्लॉट की साइज़ की, जिसमें बड़ा साइज़ भी आपको मिल जाएगा। और चलते हैं एक बार अंदर, और अंदर ले जाके मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ये हमारे प्लॉट्स होने वाले हैं। ऑल्सो गाइस, ये हमारे प्लॉट दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। दैट मीन्स इसको आप फ्लोर वाइज बना के इंडिविजुअली एक एक फ्लोर की रजिस्ट्री करके भी आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। और प्लॉट की इन्वेस्टमेंट हमेशा से अच्छी रही है। प्लॉट इज़ लाइक अ वाइन, जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। तो चलते हैं फटाफट से अंदर और देखते हैं किस तरीके से ये हमारे प्लॉट्स बने हुए हैं। जब एंटर होते हैं आपको सामने यहाँ पे दिख जाता है BPTP डिस्ट्रिक्ट 1 सेक्टर 81 का बोर्ड। सामने यहाँ पे हमारा मेन रोड है, इससे प्राइम लोकेशन आपको फरीदाबाद में मिल ही नहीं सकती है गाइज। तो ये हमारा फ्रंट का रोड है। जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी रूम लगा हुआ है और ये रिमोट कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम है गेट खुलने का। अंदर आते हैं तो आपके प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम प्लॉट इसके अंदर सोल्ड आउट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। हर सेगमेंट के, हर साइज़ के इसके अंदर प्लॉट आपको मिल जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका एमिनिटीज़ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारे प्लॉट होने वाले हैं और किस तरीके से आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लोगों ने कैसी कंस्ट्रक्शन करी हुई है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जैसे आप यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा आपको ओपन एयर जिम मिल जाता है। यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू वगैरह मिल जाता है। ये ओपन एयर जिम है जो कि आपने दिल्ली के जनरली पार्क्स वगैरह में देखे होंगे, जो कि ज़्यादातर टूटे हुए मिलेंगे आपको। और ये ताकि ये बेसिकली हमारा गेटेड सोसाइटी के अंदर है, तो सिर्फ सोसाइटी वाले ही इसको यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये है हमारा यहाँ का कुछ एक्टिविटी एरिया। अब चलते हैं, एक बार मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसी बिल्डिंग से ले लेते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टिल्ट बनाया हुआ है नीचे पूरा। यहाँ पे हमारा बेसमेंट के एंट्रेंस है, यहाँ से इन्होंने बेसमेंट बनाया हुआ है। अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, बेसिकली इसको अपर ग्राउंड बोलेंगे। ये हमारा ग्राउंड है जो कि पूरा पार्किंग रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर अपर ग्राउंड ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सारे फ्लैट हमारे वास्तु के हिसाब से काटे हुए हैं। और कवरेज एरिया की बात करूँ तो लोगों ने इसमें जो गवर्नमेंट का रूल है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप सिर्फ 80% ही कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 100 गज का, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 गज का प्लॉट है तो उसके अंदर आप 80 गज ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 20 गज, 10 गज जगह आपको आगे और 10 गज जगह पीछे छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि इन्होंने छोड़ा हुआ है, 10 आगे 10 पीछे छोड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगी और प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग करी हुई है। अब जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो एक नंबर D1 से लेकर D16 तक आपको सीधा जाना है। फिर अगर इस वाले रो में जाना है तो आपको A1 से लेकर A39 आपको इस रो में मिल जाएगा। और हर एक प्लॉट के आगे आपको मार्किंग मिली हुई है जिन जिन्होंने प्लॉट ली हुई है। और ये पूरा यहाँ पे आपको सामने रोड वगैरह पूरा बना के दे रहे हैं, किस तरीके से ये बना के दे रहे हैं आप देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी है। जो इसकी लोकेशन है गाइस बहुत ही अमेजिंग है। आप सामने देख सकते हैं हमारा सामने मेन रोड है, एंटर होती पूरी हमारी सोसाइटी है। और जितने भी ये फ्लैट बन रहे हैं, जितने भी इसमें घर बन रहे हैं, इनका फ्रंट का जो फसाड होगा वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा, ताकि पूरी सोसाइटी का जो लुक है वो प्रॉपर इन्हेंस होके आए। तो ये था हमारा कुछ प्लॉट का वीडियो। ज़्यादा बड़ी भी मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। 7 डेज़ में विजिट्स ओपन है फरीदाबाद में। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, फरीदाबाद से ही हैं तो भी मैं विज़िट कराऊंगा। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाऊँगा हमारे थ्रू, मतलब फ्लैट गैलरी ब्लॉग्स के थ्रू। ये प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0% की ब्रोकरेज देनी है, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है। और जो मैंने इसका प्राइस बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा प्राइस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, मतलब 1,20,000 रुपये गज आपको यहाँ पे ये फ्लैट, सॉरी प्लॉट मिलने वाले हैं, जिसके अंदर 100% नेगोशिएबल होगा। आप इस पर नेगोशिएशन भी करवा सकते हैं ऑन टेबल, 0% ब्रोकरेज है।
तो फटाफट से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें। 7 डेज में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इस नंबर पे अवेलेबल मिलूंगा। मैं खुद ही अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करें, विजिट भी मैं ही कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं ही विजिट कराऊंगा। तो दैट्स इट गाइस, कोई भी इंक्वायरी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना। लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली वीडियो बनाते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल और रॉ वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को बिल्कुल चीज़ें एज इट इज़ लगे जब वो लाइव विजिट करने आए। ऐसा ना लगे कि मैं वीडियो में कुछ और दिखा रहा हूँ और जब विजिट करने आ रहे तो कुछ और ही मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरी वीडियो में। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को प्रॉपर व्लॉगिंग स्टाइल में शूट करता हूँ। तो ये था हमारा प्लॉट जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। तो जो हमारा प्लॉट का साइज़ स्टार्ट हो जाता है वो 130 गज से लेके स्टार्ट हो जाता है, जो मिनिमम प्लॉट का साइज़ है वो 130 गज का होने वाला है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं इन प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट करने का या विजिट करने का या इंक्वायरी करनी है, स्क्रीन पे मेरा नंबर हाईलाइट हो रहा है, 7 डेज में आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट की नॉलेज मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।